हिंदी सिनेमा में इतिहास के पन्ने कम ही पलटे जाते हैं, मगर एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है राग देश। इस फिल्म के दो कलाकार मेरे साथ मौजूद हैं, कुणाल कपूर और मोहित मारवा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जानना चाहेंगे, इतिहास का वो पन्ना पलटा जा रहा है जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है, जो रेड फोर्ट ट्रायल हुआ था 1945 और 46 के बीच में, जिसके दो अफसरों का आप किरदार निभा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म नज़र आ रही है और किरदार भी नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस किरदार के बारे में? जी, एक्चुअली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे दो चीज़ें हुई। एक तो बहुत फैसिनेटिंग लगी, क्योंकि मुझे लगा, मेरा पहला सवाल ये था कि इसके ऊपर पहले पिक्चर क्यों नहीं बन चुकी, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग कहानी थी। एक कोर्टरूम ड्रामा था, वॉर फिल्म थी, तीन जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बॉन्डिंग थी, रिलेशनशिप्स थे, इमोशन था, ड्रामा था, सब कुछ था। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर पहले पिक्चर क्यों नहीं बनी, मतलब किसी ने क्यों नहीं बनाई। दूसरी बात ये लगी, जैसे आपने कहा कि मुझे थोड़ा बहुत शर्म भी महसूस हुई कि हमारे जो हिस्ट्री है उसका इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, और उसके बारे में हमें कितना कम पता है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ पॉलिटिक्स होंगे जिसकी वजह से INA जो है, जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बल्कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने कहा है कि हिंदुस्तान छोड़ने का एक सबसे बड़ी वजह थी कि INA की फॉर्मेशन, आज़ाद हिंद फौज की फॉर्मेशन, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम अपनी जो हमारे सोल्जर्स हैं अगर वो हमारे खिलाफ हो चुके हैं तो हम इस देश को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और कहा जाता है कि शाहनवाज सैगर और ढिल्लन जब रेड फोर्ट ट्रायल ख़त्म हुए थे, जब शहर से शहर जाते थे, तो कम से कम दो तीन लाख लोग उन्हें देखने आया करते थे, इतने बड़े हीरो थे। तो मुझे शर्म महसूस हुई कि इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में हमें पता ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये पिक्चर के ज़रिए मुझे लगता है कि ना सिर्फ आप एंटरटेन होंगे, एंगेज होंगे, आपको मज़ा आएगा, लेकिन आपको हमारे जो हिस्ट्री का ये खोया हुआ पन्ना है उसके बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा। ये तीन कोई वॉर हीरोज़ जो थे, ये कोई किसी से कम नहीं थे, और ये नहीं, और बाकी के भी जो इंडियन नेशनल आर्मी में जितने, क्योंकि कुछ तो ऐसे थे जो ब्रिटिश आर्मी से निकल के इंडियन नेशनल आर्मी में गए थे, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है इंडियन नेशनल आर्मी में अपनी पोजिशन कॉम्प्रोमाइज़ करके गए थे, और कितने कॉमनर्स भी थे जो लोग, इंडियंस जो NRIs जो अब्रॉड में रहते थे, उन लोगों ने आकर इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया, जिनने आज तक कभी बंदूक नहीं उठाई थी, वो लोग भी इस आर्मी में आए थे। तो मतलब ये नहीं, और ये ऐसी कहानी, मतलब कहाँ छूट गई, कहाँ रह कहाँ गई ऐसी कहानी। तो ये बात को लेके थोड़ा जो है झटका सा लगा, और उसके बाद फिर हमने बोला चलो कोई नहीं, अब ये पिक्चर बन रही है तो अब हम इस पिक्चर के साथ जुड़ के इस कहानी के एक मैसेंजर बनेंगे और ये कहानी दुनिया तक लेके जाएंगे। कुणाल, आपने रंग दे बसंती की थी, उसमें कुछ इतिहास के तत्व थे, फ्लैशबैक में भगत सिंह और उनके जो दोस्त थे उनकी कहानी भी इंटरकट करके चलती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना आसान या मुश्किल होता है जब इतिहास पर आधारित फिल्में आप करते हैं और जो नॉर्मल फिल्में करते हैं, कितना मुश्किल होता है उस तरह के कैरेक्टर पकड़ना जो हिस्टोरिकल होते हैं, जो रियल होते हैं? जी, मुश्किल तो नहीं, मुझे लगता है चैलेंजिंग तो थोड़ा होता है, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि मुझे लगता है आप एक्टर इसलिए बनते हैं कि आपको मौका मिले कि किसी और की ज़िंदगी जिए, और एक ऐसी ज़िंदगी जिए जिसका आपको कुछ पता ना हो, वो और भी मज़ेदार हो जाती है। तो इसमें रिसर्च बहुत गई, हमें ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ा, मुझे काम करना पड़ा एक्सेंट के ऊपर, क्योंकि शाहनवाज़ जो हैं पंजाबी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो उनके बोलने का एक बहुत ही डिस्टिंक्ट तरीका है, उसके ऊपर काम करना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम था वो था मानसिकता के ऊपर, क्योंकि इनकी मानसिकता हमारी मानसिकता से बिल्कुल अलग थी। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये लोग ऐसी सोसाइटी में रहते थे जहाँ ये सोचते थे कि देश का क्या कर सकते हैं, कॉज़ क्या है, और कॉज़ के आगे इंडिविजुअल कुछ नहीं था। ये लोग ऐसे लोग थे जो ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, आइडियलिज्म है, इन चीज़ों को मानते थे। आजकल हम ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ अगर आप कहो कि आप ऑनेस्ट बनना चाहते हैं, लोग कहेंगे कि आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप कहो कि मैं आइडियलिस्ट हूँ, बोलते हैं आप रोमांटिसाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को। अगर आप इंटेग्रिटी की बात करें तो बोलेंगे कि आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो मानसिकता बहुत अलग थी, तो मुझे लगता है वो मानसिकता को समझना वो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, और उसी के ऊपर बहुत काम किया हमने। मोहित, हालांकि ये बहुत सीरियस फिल्म है, इतिहास पर आधारित है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुणाल और आपके बीच में कुछ सेट की जो बॉन्डिंग थी उसके बारे में बताएं कि क्या, हालांकि अमित साथ तो यहाँ नहीं है, उनसे भी मैं पूछता ये सवाल, लेकिन आप दोनों की बॉन्डिंग के बारे में साथ बताइए। हाँ, क्या
हाँ अच्छा, वो कहने की कोशिश कर रहा है कि मोहित और कुणाल बहुत ही टैलेंटेड है और मुझे बहुत खुशी हुई इनके साथ काम करके। हाँ कोई नहीं, थैंक यू। मोहित, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ कि एक्चुअली पिक्चर सीरियस नहीं है। पिक्चर में मोमेंट्स हैं जो सीरियस हैं, पर ये पिक्चर एक एक बहुत अच्छे हिंदी स्क्रीन प्ले की तरह की है। असली कहानी हमने उठाई है इसमें अंदर, जैसा कुणाल ने आपको बताया, इसमें सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक अच्छी एंटरटेनिंग हिंदी पिक्चर के लिए चाहिए आपको, कि रोमांस हो गया, वॉर हो गई, कोर्ट रूम ड्रामा हो गया, फैमिली रिलेशंस एक्सप्लोर हो रहे हैं, तो इसमें हर चीज का जो है कॉम्बिनेशन मिलकर आ रहा है। तो सीरियस नहीं कहूंगा मैं इसको, एक बहुत एंटरटेनिंग और एजुकेटिव फिल्म कहूंगा। तो 28 जुलाई को जाइए और इस पिक्चर को देख के मजा लीजिए। अच्छा, हालांकि इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप दोनों की बॉन्डिंग क्या थी, किस कुछ सेट पे मस्ती हुई, कुछ ऐसी बातें जो किसी को ना पता हो। जी सेट पे ऑब्वियसली देखिए, एक तो सेट हमारा जो था बहुत रिलैक्स था, क्योंकि तिग्मांशु धूलिया एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो एटमोसफियर को बहुत लाइट रखते हैं, तो बहुत सारी चैलेंजेस थे पिक्चर बनाने में, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि उनको देख के कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई मुश्किल है, लगा सब कुछ आसानी से हो रहा है। और वही मुझे लगता है कि मैं मोहित को थोड़ा बहुत जानता था पहले से, अमित को थोड़ा बहुत जानता था पहले से, लेकिन इस पिक्चर के दौरान हमारी बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रांग हो गई है। और लोग कहते हैं कि जिसने भी पिक्चर देखी वो कहते हैं कि जो बहुत अच्छी बात है पिक्चर के बारे में वो ये है कि तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और मेरा मानना है कि वो क्योंकि ऑफ स्क्रीन जो था वही ऑन स्क्रीन हो रहा था, और वो बहुत कम होता है पिक्चरों में। आपको इनकी, हाँ इनकी जो दोस्ती है वो निकल के आ रही है पिक्चर में, और वो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो जो चीज़ें हमने शूटिंग करते वक्त नहीं की थी वो उसका फायदा हमें मिला, कि जब हम काम नहीं कर रहे थे, जब हम शॉट अपना नहीं दे रहे थे और बैठ के जो इधर उधर की खुसर फुसर कर रहे थे, उससे जो है हम एक दूसरे को अच्छे से समझे और वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो उसका वो सही हो गया एकदम। थोड़ी बहुत खुसर पुसर हमें बताइए क्या कुछ करते खुसर पुसर। अच्छा चलिए, जाते जाते, इतिहास पर आधारित फिल्म है, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं और जब इतिहास सब्जेक्ट कंपलसरी होता है पढ़ना, तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। मुझे इतिहास बहुत पसंद नहीं था, मुझे जल्दी समझ में नहीं आता था। आप लोगों का क्या स्टेटस था स्कूल में, कितने अच्छे स्टूडेंट रहे हैं इतिहास के? जी मैं तो बहुत, मुझे भी इतिहास बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मेरा मानना है कि इतिहास की बात नहीं है, मुझे लगता है जिस तरह से पढ़ाया जाता है वो गड़बड़ है। क्योंकि आप मतलब 1910 में क्या हुआ था, 23 सितंबर 1940 में क्या हुआ था, ये डेटें याद करने में हमारा पूरा मतलब जो क्लास निकल जाती थी। तो इसलिए मेरा मानना है कि पिक्चरें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पिक्चर इतिहास को जो है एक बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से दर्शाती हैं, और इसकी वजह से लोगों को ये जो हमारा इतिहास है वो समझने में आसानी होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐतिहासिक पिक्चरें बने और एंगेजिंग एंटरटेनिंग तरीके से बने, ताकि हमारा इतिहास लोगों तक पहुंच सके। मोहित, आपको स्कूल में कॉलेज में इतिहास अच्छा लगता था? हाँ, मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट मुझे लग रहा है अब बनाऊँ इस पिक्चर के शूटिंग करते करते। इसके पहले हिस्ट्री मुझे बड़ी बोरिंग लगती थी, क्योंकि जो किताबी हिस्ट्री है वो कभी भाई नहीं मुझे। मैंने जितनी हिस्ट्री की नॉलेज ली है वो पिक्चरों के थ्रू ही ली है, और उसी में मुझे मज़ा आता है कि पिक्चर देखे, विजुअल मीडियम के थ्रू आप हिस्ट्री को देखिए, अच्छी पिक्चर देखिए, एंटरटेनमेंट वे में देखिए। हॉलीवुड में जैसे पिक्चरें बनती हैं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट अपने चैप्टर का, अपनी हिस्ट्री का उठाते हैं और उससे उसकी पिक्चर बना देते हैं। हमने भी वही करने की कोशिश की इस पिक्चर के साथ, तो बहुत मजा आएगा आपको देख के। न्यूज से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ कुणाल कपूर और मोहित मारवा, जो बता रहे थे कि ये फिल्म रागदेश जो है वो कितनी अहम है और आजाद हिंद फौज जो है उसका देश में कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ये लोगों तक सामने आना चाहिए। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।